नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल जिसका नाम है गियर नॉलेज डॉट कॉम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सुधाकर, आपका आपके अपने चैनल का होस्ट। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा इनोवेटिव चीज़ लेके आया हूँ जिसके बारे में आपने काफ़ी टाइम से कभी सोचा हो कि काश मैं बोलता और ये मेरा पंखा बंद हुआ था। मैं इतना थका हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं जाने का मेरा मन नहीं, उठने का मन नहीं हो रहा मेरा, स्विच बंद करने का। काश ये ट्यूबलाइट जो है बंद हो जाती। इस तरह आपने कभी कई बार आपके मन में ये आया होगा कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, कितना अच्छा है कि मैं कुछ भी बोलूं तो ऐसा हो जाए, मैं कुछ मेरा बस मोबाइल है, मैं मोबाइल पर ऐसा करूँ कि लाइट बंद हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो आपने कभी कभी सोची होंगी, वो सब चीज़ें आपकी आज पूरी हो सकती हैं। लेकिन पूरी तो काफ़ी लोग कर देते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें। लेकिन मैं आपके लिए आज यही चीज़ को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊँगा किस तरह आप उसको पूरा कर सकते हैं केवल 600 रुपये में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 600 रुपये में amazon.in से आप, मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा, एक स्मार्ट स्विच है, उसको आपको ऑर्डर करना है। और मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह आपको उसको अपने मोबाइल पे उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, और किस तरह आप अपने घर का किसी भी आपका कोई भी चीज़ हो, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, जैसे कि आपका टीवी है, आपका सपोज फैन है, आपका टीवी हो गया, फ़ैन हो गया, या आपकी ट्यूबलाइट है, कोई भी चीज़ जो कि 10 एम्पियर तक इसका पावर हो, वो इस स्विच से आपकी आराम से आपके मोबाइल से हैंडल हो जाएगी। जब आप चाहो बटन दबाओ आप वो चीज़ ऑन, जब आप बटन दबाओ वो चीज़ बंद। तो मैं आपको दिखाऊँ किस तरह आप केवल 600 रुपये में अपने अपने पूरे घर को स्मार्ट होम में बदल सकते हैं। जी हाँ, ये काफ़ी ईजी है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसा क्या करना है। अब ये मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है अमेजन से, जिसका नाम है, आप देख सकते हो, एस ऑन ऑफ। ये है बेसिक वाईफाई स्मार्ट स्विच, ठीक ना। ये जो है अमेजन एलेक्सा पर भी चलता है। आपने अगर कभी आपके पास कभी अगर आपने कोई स्मार्ट स्पीकर कभी देखा हो, जैसा एलेक्सा होता है, गूगल होम होता है ना, तो ये उन पर सपोर्ट करता है। और एक एप्लीकेशन होती है IFTTT, इसमें आप अपने हिसाब से अपने कमांड सेट कर सकते हो कि अगर ये हो तो ये हो जाए, मैं ये करूँ तो ये हो जाए। इसकी एक ऐप आती है, उसके थ्रू भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इसमें देखिए, आपको इसको यूज़ करने के लिए एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने मोबाइल में, जिसका नाम है EV Link। इसमें रिमोट कंट्रोल से भी चाहो तो आप इसमें इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल सपोर्ट करता है, जो कि आपका कुछ रेंज इन्होंने डिफाइन की है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आप टाइम शेड्यूल कर सकते हो, और इसमें स्मार्ट सीन भी कर सकते हो आप, एक साथ में कई सारे मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ये जो ये तो एक यूनिट है, अगर ऐसे आपने कई यूनिट ले रखी हैं तो उन सबको यूनिट को भी आप एक जगह पर एज ए स्मार्ट में भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये देखिए, ये वैसे तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है मैक्सिमम करेंट सपोर्ट करता है 10 एम्पियर तक। तो 10 एम्पियर से ऊपर के अगर कोई आपका उपकरण है, कोई अपरेटस है, तो वो उससे ऊपर नहीं काम करेगा, 10 एम्पियर तक काम करेगा। और इसमें आपका देख लीजिए जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, उसमें देखिए सपोर्ट 8 इनेबल्ड टाइमर्स। ये एक बार में 10-10 चीज़ों को सपोर्ट, टाइम जो टाइमर आप जो हैं इसमें एक टाइम पे 8 टाइमर सेट कर सकते हो। और इसके बाद अलावा आप इसमें अपने हिसाब से सीन्स, इसकी मैं दिखाऊंगा सीन्स क्या होते हैं इसकी एप्लीकेशन में। बाकी देखिए MRP पे लिखा हुआ है 900, बट ये लगभग 600 कुछ का मुझे मिला था। मैं आपको लिंक भेज दूंगा नीचे, भेजूंगा नहीं, नीचे मैं लिख दूंगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको एक्चुअली जो मिलता है वो ये डिवाइस है। ये मैंने अभी कनेक्ट किया, आप देख रहे ये LED जल रहा है, ये मैंने अभी कनेक्ट कर रखी लाइट से। देखिए ये लाइट के आपके सपोज मैंने आपको केवल आइडिया देने के लिए एक बल्ब का मैंने होल्डर बनाया, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कैसे आपको ऑन ऑफ करना, कैसे आपका चलेगा ये। इसको मैंने लाइट से, ये वाला तार जो है ये लाइट से कनेक्टेड है, और ये जो है आपका इनपुट है, और जो आउटपुट है उसमें आपको जो जैसे कि आपका टीवी है, फ्रिज वो टीवी है, या आपका पंखा है, या ट्यूबलाइट है, उसमें आपको इसको दीवार पे आपको ऐड कर देना है। और ये इसके कनेक्टर हैं, यहाँ पर ये आ जाएंगे इस तरह से बंद होके, ये बंद हो जाएगा, और ये पीछे दीवार पे आप इसको सेट कर सकते हो। देखिए इसके दो यहाँ पर होल्स हैं, उनके साथ आप उसमें ऐड कर सकते हो। और ये भी इसका ढक्कन है, ये ढक्कन है, साथ में इन ढक्कन को बंद करने के लिए ये स्क्रू दिए हुए हैं, 4 स्क्रू दिए हुए हैं। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ABS क्वालिटी प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी का है।
इसमें आप देख सकते हो कि ये वाईफाई सपोर्ट करता है 802.11 और ये वाईफाई 2.4 GHz सपोर्ट करता है, 5 GHz का वाईफाई सपोर्ट नहीं करता है। मोस्टली अभी तक हम लोग जो है 2.4 GHz का वाईफाई ही यूज़ करते हैं इंडिया में, 5 GHz का जो राउटर वगैरह है वो काफ़ी कम ही लोग शायद यूज़ करते होंगे, अभी तो मोस्टली 2.4 ही चलता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या इसका इंटरफेस है। अच्छा हाँ, साथ में ये जो है मैनुअल मिलता है, ये मैनुअल आपका देखिए पूरा चाइनीज़ में है। अब हम लोग इतने पढ़े लिखे थे नहीं कि चाइना पढ़ सकें, हाँ लेकिन हम लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं ऑफकोर्स। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ EWE EV लिंक का आपको करना है, किस किस तरह से ट्रबल शूटिंग सारी गाइड है, मैंने सारा पढ़ के मैंने इसको सेटअप किया है। और जो इसकी ऐप है वो इस तरह की है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, या तो आपके इन यहाँ पर की जो उसके QR कोड्स हैं या तो आप उनकी हेल्प ले लो, या फिर आप सीधे यहाँ पर लिख लीजिए EWELINK। तो देखिए ईवी लिंक आ गया, ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मेरे पास देखिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज आपके पास जो है इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ओपन करते हैं, तो ये ओपन करने के बाद आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना है। मैंने इसमें अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है और मैंने इस बल्ब का नाम ले रखा है बल्ब। अब इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या सेटिंग्स हैं। इस सेटिंग में देखिए आपके सीन से जो बता रहा था, इस सीन में क्या है, आप यू कैन क्रिएट सीन्स टू टर्न ऑन ऑफ ए गैंग ऑफ डिवाइस विद वन टैप। इसमें आप कई सारी डिवाइसेस, सपोज कर ये डिवाइस ये एक है, आप तीन चार अपने लगा दें कि एक अपने आपकी रॉड के लिए, एक पंखा, एक फ़ैन के लिए, एक टीवी के लिए, इस तरह आप वो सबको ऐड करके यहाँ सीन ऐड कर सकते हैं। बट मैंने तो अभी एक ही किया है अभी आपको दिखाने के लिए, बाद में मैं इसको जब सेटअप करूँगा घर में अपने किसी अप्लायंस से तो आपको उसका भी रिव्यू दिखाऊँगा। ये देखिए अमेज़न इको सपोर्ट करता है, गूगल होम सपोर्ट करता है, और इसका फर्मवेयर करेंट है जो कि अपडेटेड है। ये सारा लॉगिन करने के बाद आपसे पूछता है कि आपको नाम क्या रखना है अपनी डिवाइस का जो कि आपके कनेक्टेड है। तो मेरा बल्ब कनेक्ट मैंने कर रखा है, तो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया बल्ब। अब देखिए आप जादू होने वाला है, देखिएगा ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ये आप अपने घर के किसी भी कोने से कर सकते हो, बस केवल आपको वाईफाई रेंज चाहिए। अगर हाँ, अगर आपके वाईफाई रेंज नहीं है तो आप इसको मोबाइल डेटा पे भी कर सकते हैं। मीन ये है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रह के अपने घर की डिवाइसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हो। एकदम रेवोल्यूशनरी चीज़ है जो कि काफ़ी, मतलब जो टेक्नोलॉजी पसंद लोग करते हैं, जो अपने घर को स्मार्ट होम बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये मस्ट हैव गैजेट है। केवल 600 रुपये का है, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। देखिए किस तरह चलता है, और काफ़ी अच्छा इसमें साउंड भी आता है, जो क्लिक का साउंड आता है वो इसमें साउंड भी आता है। देखिएगा आप बंद, चालू, बंद। तो आप मुझको कमेंट बताइएगा आपको ये डिवाइस कैसी लगी, और केवल 600 कुछ रुपए की है। मैं नीचे amazon.in का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और मैं इस डिवाइस को रियल डिवाइस अपने रियल अप्लायंस पे लगाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जैसे कि जो मेन ट्यूबलाइट है उस पर लगाऊंगा इसको, जो उन ट्यूबलाइट का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन मैं उसका इनपुट यहाँ दूंगा, और यहाँ से जो तार निकले हैं उसमें ये तार जाएंगे ट्यूबलाइट में, बस कुछ नहीं करना है। जो करंट वाले तार आ रहे हैं वो तार यहाँ पे आएंगे दो, और वो करंट वाले तार जो यहाँ पे आ गए उसके बाद ट्यूबलाइट में तार भेजने हैं, वो तार यहाँ से ले गए। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल है। और आपको ये डिवाइस कैसी लगी है? और अगर आप चाहो तो आप भी इसको परचेज कीजिए, जो मैं नीचे लिंक दूंगा, और अपने घर को स्मार्ट होम बनाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।